देवास जिले के हाटपिपलिया में प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण प्रतिमा को भमोरी नदी के नरसिंह घाट पर मंदिर के पुजारी रमेश दास जी वैष्णव द्वारा 3 बार तेराया गया। प्रतिमा ने प्रत्येक बार लगभग 15 से 20 फीट तक तेराई। मान्यता है कि यदि प्रतिमा 3 बार तेर जाए तो आने वाले वर्ष सुखद रहेगा। वहीं हाटपिपलिया के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर से भगवान नरसिंह की प्रतिमा को डोल में सवार कर डोल धमाकों और पुलिस बैंड बाजू के साथ शोभा यात्रा के रूप में नरसिंह घाट तक ले जाया गया। वही शोभा यात्रा का विभिन्न मंचों द्वारा घर में जोशी सुस्वागत किया गया। घाट पर पहुंचने के बाद पूजन अर्चन के साथ प्रतिमा को तेराया गया। इस दौरान भगवान नरसिंह के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस भव्य और धार्मिक आयोजन में शामिल हुए और इस अवसर का आनंद लिया। पंडित जी, आपके कर कमलों से भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा को आपने जल में तैराया, तो कितनी बार मूर्ति तेरी? 3 बार मूर्ति तेरी है और 3 बार अच्छी तेरी मूर्ति, करीब लगभग 15 से 20 फीट तक। तो 3 बार मूर्ति तेरी तो क्या मान्यता रहती है? वर्ष के सारे वर्ष अच्छा रहेगा, पूरा वर्ष अच्छा, पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। और इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाटपिपलिया आते हैं तो कैसा लगता है और आने वाले की किस प्रकार की मन्नतें रहती है? तो आने वाले की मन्नतें, हर मन्नत भगवान पूर्ण करते हैं, जो अपने जो आस्था से जो लेके आते हैं उनसे कि भगवान हमको ये चाहिए, भगवान ये चाहिए हमको, तो भगवान आस्था लेके आएंगे तो बराबर उनको मिलेगा। कितने वर्षों से यह मूर्ति तेराने का आयोजन किया जा रहा है? करीबन ये मूर्ति सर मेरे को 7 पीढ़ी हो गए, अब कितना वर्ष लगा मैं। हाट पिपलिया तहसील से नरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।